इनको देख के मोटिवेशन नहीं आया तो दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता आपको। ऐसी करुणा की अपार शक्ति, बहुत भयंकर संघर्ष, इतना संघर्ष, पहाड़ों 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 जितना संघर्ष, भिक्षा मांगने तक का काम किया जिंदगी के अंदर। 9 साल की उम्र में 35 साल के आदमी से शादी हुआ जिससे मैं ये प्रेग्नेंट थी। इनको मारा पीटा गया, गाय के अस्तबल, घोड़े के अस्तबल के पास इनका डिलीवरी, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। ऐसा समय था शमशान घाट पे जलती मुर्दा लाश के ऊपर रोटी सेक करके खाया इन्होंने। इतनी भिक्षा मांगती थी दूसरे भिखारियों को खिलाने के लिए। आज भी इनका एक अनाथ आश्रम चलता है जहां सैकड़ों हजारों बच्चों को इन्होंने पाला है अपने बच्चों की तरह। और केवल बच्चे ही बच्चे नहीं रहे, वो बच्चे बड़े होके आज एजुकेटेड हो गए, बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं इनके बच्चे भी। अब सिंधु ताई, जिनके बारे में महाराष्ट्र में तो सब जानते हैं लेकिन हमारे सब्सक्राइबर्स के माध्यम से आज पूरी दुनिया को हम बताना चाहते हैं इनके विषय में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू आप मिले आज हमसे, आज आपसे अवसर मिला बात करने का। आपने तो मतलब जितने भी राष्ट्रपति आए हमारे देश में सबने आपको सम्मान दिया, सबने आपको अवार्ड दिया। आपको अब्दुल कलाम जी ने अवार्ड दिया, आपको प्रतिभा पाटिल जी ने दिया, आपको प्रणब मुखर्जी ने दिया, आपको रामनाथ कोविंद जी ने दिया। आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में बताइए, या आप इतनी शक्ति संघर्ष को सहने की आपके जीवन में कैसे आई? बेटा मैं 20 साल की थी जब मेरे ससुराल ने छोड़ा मेरे को, तब मेरे पास कुछ नहीं था और ये 10 दिन के बच्चे थे। ससुराल ने मायके ने हकल दिया था, तब पेट की भूख तो थी ना, खाना तो चाहिए था हर रोज और पास कुछ नहीं था। माँ ने भी अकल दिया था, माँ सगी थे इसलिए भी क्या करूँ। 20 साल की बच्ची, यानी मैं 20 साल की बच्ची थी और 10 दिन की मेरी बच्ची, फिर भूख मेरे को डरा रही थी कि अभी मरने के बगैर कुछ नहीं, मर जाओ। मेरे को मरना नहीं था बेटा, इसलिए जब भिखारी मैं देखती तो भिखारी गाना बोल के खाना मांगते तो मैं भी उसके साथ हो गई। मैंने गाना बोला, खाना मिला और बांट के खाया और माई हो गया। अभी जो आपका मैंने सुना गाय के तबेले में आपने बच्चे का डिलीवरी किया था, नहीं वो क्या हो गया बेटा, मैंने एक बहुत बड़ा झगड़ा दिया था सरकार के साथ, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि हमारा पति गैया चराता थे, सबके पति, और हम गोबर उठाते थे, उसका पैसा नहीं मिलता था हमको। तो तब रंगनाथन कलेक्टर थे वर्धा में, मैंने उसके सामने ये रखा कि तुम रोड पे मुरुम डालते हैं तो उसको तुम मजूरी देते हैं, हमारा पूरा गोबर तुम उठाते हैं, उठाओ मगर उठाने के लिए मजूरी तो दो, हम रात दिन वो गोबर उठाते हैं। उन्होंने दिया नहीं, फिर मैंने बहुत बड़ा झगड़ा किया और मेरे को न्याय मिला, कलेक्टर ने मेरे को न्याय दिया। मगर हुआ क्या बेटा, यानी सब लोग उनका भला हो गया मगर एक का तो बुरा हो सकता है ना, तो वो जिसका बुरा हो गया वो मेरे पीछे पड़ा। और मैं 9 महीने की प्रेगनेंसी थी तो उन्होंने मेरे पति को बोला कि तेरे पति पत्नी को जो अभी गर्भवती है ना, वो तेरा नहीं बच्चा मेरा है, तो कौन सा पति मेरे को स्वीकारेगा। उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी थी और मैं बेहोश हो गई थी। उन्होंने खींचते खींचते मेरे को गैया के तबेले में डाला था और पूरी गैया खुली कर दी थी, उसको ऐसा लगा मैं मर गई। तो आदमी ने मारा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरे इर्द गिर्द पूरी गैया थी और मैं बेहोश थी, बेहोशी में मेरे को बच्चा हो गया था। जब मैंने आंख खोला तब ध्यान में आया कि अरे सब गैया मेरे इधर उधर घूम रहे मगर एक गैया मेरे आंख पर खड़ी है और बेहोश में मेरे को बच्चा हो गया है। और वो गैया सब गैया को हकल रही थी बेटा और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी, उसको मानवता किसने सिखाई। मैं कैसे तो भी खड़ी हो गई, उसका गला पकड़ के मैं रोई, उसको मैंने वचन दिया कि तू, अरे आदमी ने तो टाक दिया, मेरे को छोड़ दिया, फेंक दिया, तू गैया होकर मेरी मैया बनेगी ना, मैं आखिरी दम तक सिर्फ मैया बनूंगी, बस गया को बचन दिया और मैया हो गई रे। बाद में वो बच्चा लेकर के आपने मतलब भीख मांग के अपना जीवन चलाया। पहले तो मेरा बच्चा का जन्मनाल मैंने पत्थर से तोड़ा रे, वो कैसे करे, मेरे पास क्या था, कुछ सामान नहीं था, कोई भी मेरे पास नहीं था। फिर मैंने उसको टेढ़ा सुलाया और नीचे पत्थर रखा, हाथ में एक पत्थर लिया, पहला पत्थर मारने से मेरे को डर लगा कि अभी ये जन्मा है बच्चा और मैं पत्थर मार रही, मगर ये लजी तो नहीं था। फिर मैंने आंख बंद की और पत्थर मारने लगी, वो चुकता था फिर भी मैं मारती थी, मगर मैं पत्थर गिनती थी, 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा। तब मैंने सोचा कि ये जन्म हुआ नाल 16 पत्थर से टूटता है तो संस्कृति का नाल कितना बड़ा मजबूत होना चाहिए। कभी हार नहीं माने आप? हार मानी ना बेटा, एक बार तो मैं रेल के पटरी में बैठी थी कि चलो मर जाते, मगर जब पटरी हिलने लगी तब लगा कि नहीं 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 मरना। बच्चे ने मेरे तरफ देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को बोल रहे हैं कि जन्म काय को दिया, फिर मरना था तो
तो मैं बोली मरना कैंसिल, मैं उठ के नीचे दौड़ गए, मेरे को ऐसा लगता तो रेल मेरे पीछे आ रही। आपने ये सन्मति बाल निकेतन जो शुरू किया, ये आपने कैसे शुरू किया? आप तो आपके पास इतने बच्चे हैं, कैसे आपने मैनेज किया? जिसके पास अपने खाने की सुविधा नहीं, आज उसके पास सैकड़ों हजारों बच्चे। और अभी भी नहीं, क्योंकि मेरे को ग्रैंड नहीं, सरकार ने अभी तक मेरे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ सम्मान दिया। चार राष्ट्रपति ने मेरे को सम्मानित किया, मगर ग्रैंड नहीं मेरे मन को। भूख तो हर रोज लगती है ना, इसलिए भूख लगने के बाद मैं भाषण देने के बाद राशन मिलता है बाबा। सरकार ने नहीं दिया ना, जनता को मैंने सरकार बनाया। अरे तुम्हारा बच्चा का एक निवाला दो बेटा, मेरे बच्चे ये तुम्हारे भी है ना, समाज के बच्चे है बेटा। और लोगों ने मेरे को भाषण देने के बाद राशन मिला, अभी मैं भाषण देती तब राशन मिलता है। और मैं गाना गाती बेटा भाषण देते समय के, हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और लोग मर्द जैसे जीना चाहते हैं ना, वही इतना ही बोलते और मांगते। आपने वास्तव में मर्दों की तरह जीने की बात करके दिखाई है माई। आपने बहुत अच्छा बोला, पर कभी कभी क्या होता है ना, ये जो हमारे व्यापारी लोग है बोलते हैं आजकल मंदी का दौर है, और इतना मंदी आ गया है, एक तो पहले ही खुद से अंदर से कमजोर, फिर ऊपर से वातावरण भी कमजोर, तो ये हो जाता है डबल कमजोर। और जिसमें अगर कस्टमर इनको छोड़ दे, बिजनेस में अगर लॉस हो जाए तो इनके एम्प्लॉय भी छोड़ के भाग जाता है, बेचारे अकेले पड़ जाते हैं कभी कभी व्यापारी लोग। हमारे देश में किसान की फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो रही है, पर ये व्यापारी जब सुसाइड करने चला जाता है तो उसकी कोई चिंता नहीं करता। मैं चाहता हूं आज ये व्यापारी जब बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, हारा हुआ महसूस करता है, तो आपके जिंदगी के अनुभव बड़े गहरे हैं, आपको अगर इनको मोटिवेट करना हो तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, कैसे ताकत आए इनके अंदर? बेटा एक दिन ऐसा आता है कि दिए में तेल नहीं होता, अंधेरा छा जाता है बेटा, तब तुम्हारे आंसू डालो उसमें, हारना नहीं। आंसू की जो चव होती है ना, वो खारी होती है, मीठी नहीं होती रे। ये मीठा और खारा तो साथ में चलता है बेटा। कल के बाद खुदा के हाथ जीना चाहिए। मंजिल बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, जाना वहाँ जरूर है, रास्ता मुश्किल है, अरे मरना मंजूर है, मगर औरों के लिए खुद के लिए नहीं। जो और जिनों दे बेटा, खड़ा हो जाओ अपने पैर पर, अरे सुबह तुम्हारी है। ये कोई कवि नहीं है, ये कोई शायर नहीं है, ये वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिया है, सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगी बनाई है। बहुत बच्चे आपने पाल लिए, अब तक कितने बच्चे आपके आश्रम में आए? 250 दामाद है अभी, यानी 50 बहुए है और 750 पुरस्कार है। आपने तो देखे, मगर पुरस्कार की रोटी नहीं।